हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी शिक्षा डॉट कॉम। मैं हूं आपका दोस्त कमलेश, और जावा ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं लूपिंग के बारे में पढ़ना। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, अब तक हम जो कुछ भी प्रोग्राम लिखे हैं उसमें हमने हर जगह जो इंटीजर जो वेरिएबल का टाइप लिया है वो इंटीजर टाइप लिया है। आपको ध्यान देना है, जावा में हमारे पास और भी बहुत टाइप के डेटा होते हैं, जैसे फ्लोट टाइप होते हैं, कैरेक्टर टाइप होते हैं, यहाँ पे हमारे पास बाइट टाइप होता है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग जो कि खुद एक क्लास है, तो हम हमारे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो सकता है। स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में हमने अपने एक वीडियो में थोड़े से डिस्कशन किया था, तो हम लोग इन डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग लूपिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं, और हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप के थ्रू, राइट। सो मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ और मैं वाइल लूप स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि हमें 1 to 100 या छोटी वैल्यू के लिए, मान लीजिए हमें 1 to 10 प्रिंट कराने हैं अपने स्क्रीन पे सिंपली, ठीक है। तो अगर हम अब तक जो पढ़ रहे हैं उसके थ्रू हम जाए, तो हमें 10 बार प्रिंट जो प्रिंट वाला स्टेटमेंट होता है उसे लिखना पड़ेगा, एक बार 1 प्रिंट कराने के लिए, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो हम लूप के थ्रू क्या करते हैं, एक जो सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं उनको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं जस्ट एक बार लिख कर, ठीक है। बस हम जो प्रिंट करा रहे हैं या जिस पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं सिर्फ उसकी वैल्यू को चेंज करना होता है हमें, बाकी हम उस स्टेटमेंट को हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हम इस वीडियो में देखेंगे कि लूप का यूज़ करके कैसे हम सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके थ्रू 10 बार हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि वाइल लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लिखते हैं वाइल और अंडर में हम एक कंडीशन देते हैं, तो मैं यहाँ पे मान लीजिए वेयर को 1 बना दे रहा हूँ, और मैं लिखता हूँ व्हाइल वेयर इज लेस देन इक्वल टू 10, राइट। सो ये हमारे एक कंडीशन है, ठीक है। और चलिए देखते हैं पहले कि हमें करना क्या है। तो व्हाइल वेयर इज लेस देन इक्वल टू 10 हम इसको प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसमें मैं प्रिंट कराता हूँ वेयर को, राइट। और तो चलिए क्या होता है, यहाँ पे हमने वेयर में 1 असाइन किया है, और यहाँ हमने एक कंडीशन दिया है व्हाइल वेयर इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अभी वेयर में 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 बिल्कुल ट्रू है। जैसे ही ट्रू होगा तो इस बॉडी में जो भी स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे देखिए इसका जो पैरेंथेसिस है वो यहाँ पे, सॉरी, इसका जो कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारा पॉइंटर यहाँ पे पहुँचेगा, यानी कि इन सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके यहाँ पे पहुँचेगा, तो देखेगा कि यहाँ से फिर रिटर्न होकर इस वाइल लूप पे आएगा, और फिर से देखेगा कि या क्या ये कंडीशन ट्रू है अब की बार या नहीं। अगर ट्रू है तो फिर से इनको एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे जैसे आएगा फिर से वापस यहाँ इस लूप के पे आएगा, देखेगा अब की बार ये कंडीशन ट्रू है या नहीं, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये जो वाइल लूप के बॉडी में जो स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेयर को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। वेयर प्लस प्लस का मतलब आपको पता है, वेयर को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, चलिए मैंने वेयर में 1 दिया है तो यहाँ चेक करेगा वेयर अभी 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट, ऑलराइट। सो इसको एग्जीक्यूट करेगा और 1 को प्रिंट करेगा, फिर वेयर को इंक्रीमेंट करेगा और वेयर अब 2 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ से वापस इस वाइल लूप पे जाएगा, और वेयर में अब की बार 2 है, ध्यान दीजिए। तो देखिएगा कि ये 2 जो है 10 से छोटा है या नहीं,
ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वेर को इंक्रीमेंट करेगा, इस बार 3 हो गया, फिर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे हमारा पॉइंटर आ जाएगा, और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। तो इनफैक्ट हमारे पास होने क्या वाला है, ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 to 10 तक प्रिंट कर दिया है, और प्रिंट कराने के लिए हमने सिर्फ एक ही प्रिंट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, हमें 10 प्रिंट वाला स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। तो ये होता है लूप का काम। आप सिमिलर स्टेटमेंट्स को सिर्फ वैल्यू चेंज करके जितनी बार चाहे आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल कंडीशन दिया है, ठीक है, आप चाहे तो इसको और भी, इस कंडीशन को आप अपने हिसाब से और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। मान लीजिए जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं, एंड एंड एक्स वन इज लेस देन एक्स टू। ऑल राइट, सो आपको पता है कि ये कंडीशन है, चूँकि ये पूरा स्टेटमेंट कंडीशन है, तो इसका वैल्यू या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो जब ये ट्रू होगा तो अंदर में जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक ये जो कंडीशन हमने दिया है वो फॉल्स नहीं हो जाता। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो पॉइंटर है वो इस लूप में नहीं जाएगा। ऑल राइट, सो इस बार मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ। आपको करना क्या है, इस प्रोग्राम में जो कि बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, उसमें आपको बताना है कि ये जो कंडीशन है वो कितने बार चेक होगा एक्चुअली। ठीक है, तो आप इसको बनाइए और थोड़े से प्रोग्रामिंग कीजिए, आप सिंपल सिंपल प्रोग्राम लिखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप आगे के वीडियोस देखते रहें, हम आगे कुछ और भी नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और अपने लेवल को एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।